फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि होते तो सबके पास दिन में 24 घंटे ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग टॉपर बन जाते हैं, 90% से ऊपर मार्क्स लेके आते हैं और कुछ लोग खूब मेहनत करने के बावजूद भी पिछड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या नया और दूसरों से अलग टॉपर्स करते हैं? क्या आपको पता है कि वो साल भर किस तरह से अपनी स्टडी को प्लान करते हैं? एक कहावत है कि मेहनत करो सफलता मिलेगी, लेकिन आज के टाइम में जब हर जगह कंपटीशन है तो सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट मेहनत करने से ही आप दूसरों से आगे निकल सकते हो। मेरा नाम अरविंद है और आपका स्वागत है हमारे चैनल की स्टूडेंट हेल्प सीरीज के अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉपर साल भर किस तरह से पढ़ाई करते हैं और किस तरह से आप भी स्मार्ट स्टडी करके अपने आप को टॉपर्स की श्रेणी में ला सकते हो। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको एग्जाम में लिखने के तरीके पर कुछ टिप्स दी हैं। उन वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया क्लिक करके देख लें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी अपने आप मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन है प्रिपेयर इन एडवांस। प्रिपेयर इन एडवांस से मतलब है कि आपको स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है उसको उस दिन स्कूल जाने से पहले एक बार सरसरी तौर पर रीडिंग मार कर जाएं। इससे आपको टॉपिक को समझने में आसानी होगी और आपका बेस मजबूत होगा। और याद रखिए, अगर बेस मजबूत है तो ही उस पर आप एक अच्छी इमारत बना पाएंगे, यानी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। पॉइंट नंबर टू है कि स्कूल में जो पढ़ाया जाए उसे उसी दिन घर आकर एक बार रिवाइज जरूर करें। उस दिन वो टॉपिक आपकी मेमोरी में फ्रेश है और रिवाइज करने से वो ब्रेन में अच्छी तरह से सेव हो जाता है। अगर कुछ दिन बाद रिवाइज किया तो फिर आप कुछ बातें भूल जाओगे और इसका मतलब ये होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है आपके कुछ पॉइंट्स कभी भी क्लियर ना हो पाए। और हाँ, अगर उस चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो अगले दिन जैसे ही आप स्कूल जाएं और टीचर से मिलें तो आप अपना डाउट जरूर क्लियर कर लें। टीचर से भी कर सकते हैं या फिर अपने सहपाठी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बार कोई कमी रह गई तो आगे के टॉपिक्स भी आप ठीक से नहीं समझ पाओगे। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है मेक नोट्स। तो टॉपिक को जैसे ही आप पढ़ते हो उसी समय इम्पोर्टेंट पार्ट्स को समराइज करते हुए नोट्स बना लें। ये नोट्स एग्जाम में बहुत फायदेमंद होंगे, स्पेशली एग्जाम से तुरंत पहले फटाफट रिवाइज कर सकोगे, जबकि टाइम बहुत कीमती होता है। नोट्स का एक फायदा ये भी है कि वो आपने अपने खुद की भाषा में लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप उनको रिवाइज करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर फोर है होमवर्क को बोझ ना समझे। अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंट्स होमवर्क को बोझ समझते हैं। होमवर्क हम सभी को बोरिंग भले ही लगता है, लेकिन वास्तव में इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए और मन लगा करके पूरा करना चाहिए। होमवर्क को अगर आपने ठीक से किया है तो उसके दो फायदे होंगे। इससे ना केवल लिखने की प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में तेजी से लिख सकोगे, बल्कि लिखकर याद किए जाने के कारण चीजें लंबे समय तक और अच्छे से याद भी रह पाएंगी। नंबर फाइव पर है स्टडी स्मार्ट। सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि आज का दौर है स्मार्ट स्टडी का। कैसे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, कुछ टॉपिक्स एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें ज़्यादा टाइम दें और अच्छे से प्रिपेयर करें। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो उन पर समय और ऊर्जा को खराब करने से कोई ज़्यादा फायदा आपको नहीं होने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल ही छोड़ दें। उन्हें भी प्रिपेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा समय उनको ना दें। कहने का मतलब ये है कि टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस के हिसाब से अपने साल भर के टाइम को मैनेज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर सिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर याद करें। देखिए, लिखकर याद करने से क्या होता है कि दिमाग को हर चीज़ को सोचना पड़ता है और ऐसी गहराई से सोची गई चीज़ें हमारा दिमाग अच्छे से याद रखता है। तो अगर आप सिर्फ रीडिंग मार करके याद करोगे तो कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर भूल जाओगे। इसलिए एक रफ नोटबुक बना लें और उसमें लिखकर याद करें। रफ नोटबुक के बजाय आप अपने नोट्स वाली डायरी को भी यूज में ला सकते हो। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप लिख सकोगे, लिख करके याद कर सकोगे, और साथ ही साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी याददाश्त निश्चित रूप से बढ़ेगी। पॉइंट नंबर सेवन है रिवीजन। तो देखिए, साल में सिर्फ एक बार कोर्स पूरा करने से आप एग्जाम में पास तो भले ही हो जाओगे, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, ये आप सभी को पता है। तो साल की शुरुआत में ही टारगेट रखें कि कोर्स को कम से कम एक बार दिसंबर तक कंप्लीट जरूर कर लें और उसके बाद में कोई भी टॉपिक बिना पढ़ा हुआ ना रहे, यानी जनवरी से आप अपना रिवीजन निश्चित ही स्टार्ट कर दें। रिवीजन करते टाइम आप अपने नोट्स जो कि आपने पहले बनाए हुए हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, बल्कि यूज करना चाहिए, इससे आपके समय की बचत होगी। रिवीजन के टाइम आप जो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं उनको भी आप हल कर सकते हैं।
नंबर 8 है, जो टॉपिक्स आपके कमजोर हैं उन पर आप विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो अक्सर होता क्या है कि जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट वीक होता है हम उस पर कम ध्यान देते हैं, हम उससे एक तरह से यूं कहें कि डरने लग जाते हैं। ऐसा करना बेहद गलत है, बल्कि इसका ठीक उल्टा करना चाहिए। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनमें तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन कमजोर टॉपिक्स ही वो टॉपिक्स हैं जो आपको दूसरों से अलग करेंगे, ठीक है। इसलिए कमजोर टॉपिक्स पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप फिर एग्जाम में निश्चिंत होकर के बैठ सकोगे। नहीं तो फिर मन में यही सोचते रहते हैं कि यार फलाना टॉपिक्स अगर सवाल आ गया तो फिर मेरी तो वाट लग जाएगी, मैं तो उसको ठीक से नहीं कर पाऊंगा। टॉपर्स जो होते हैं वो हमेशा अपने वीक पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं और उनको इम्प्रूव करके अच्छे मार्क्स लाते हैं। नंबर 9 है, स्ट्रेस ना लें। तो दोस्तों, विज्ञान के द्वारा प्रूव किया गया फैक्ट भी है और हम रोज सुनते रहते हैं कि जैसे ही हमने टेंशन लिया तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है, फिर बात चाहे एग्जाम की हो या फिर जीवन के कोई और एरिया की बात करें। तो बिल्कुल आप भी पूरे साल भर मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, जरा भी स्ट्रेस ना लीजिए। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो स्ट्रेस निश्चित रूप से ही कम होगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेहनत भी करते जाते हैं लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती है तनाव बढ़ता जाता है। तो याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत सही बात कही है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो आपने अगर अपना कर्म ठीक से किया है, आपने अगर तैयारी ठीक से करी है, तो फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि चिंता करने से आपके मार्क्स जो है कम आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को जो है भूल जाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर के बढ़िया पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर के ही एग्जाम दीजिए। और सबसे लास्ट में लेकिन बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। देखिए, अक्सर देखने में ये आता है कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये बात सही है और नहीं भी है। जीवन में खेलकूद या यूं कहें फिजिकल एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हमने फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है तो उससे हमारा शरीर और ब्रेन जो है दोनों ही अस्वस्थ हो जाएंगे, अनहेल्थी हो जाएंगे। और याद रखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल पर गेम खेलने लग जाओ, जी नहीं, बल्कि बाहर जाइए अपने दोस्तों के साथ में, क्रिकेट या ऐसा ही कोई टीम स्पोर्ट्स खेलिए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी और दूसरी साथ ही साथ आपकी सोशल स्किल्स भी डेवलप होंगी, जो कि आपको जीवन में आगे चल करके बहुत काम आने वाली हैं। और हाँ, खेलने का टाइम आप निश्चित कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। तो दोस्तों, इन टिप्स को अगर आप अपनाओगे तो मैं आपको निश्चिंत कर सकता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप भी जो है टॉपर्स की श्रेणी में आ सकोगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे भी इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने का। थैंक्स।